एक्टिंग एक्टिंग का आजकल चल रहा है कुछ? एक्टिंग मैंने एक सोप सीरियल किया था। अच्छा ठीक है। और एक दो टीवी कमर्शियल्स किए। अच्छा मुझे ये बताओ जो बिहेवियर है वो भी हमजा की फॉलो करते हो? उसको फॉलो करते हो? हमजा को देखते हो? थोड़ा सा है कुछ है को वैसे मैं बड़ा पसंद करता हूं। तो इट कांट टू बी वेरी ऑनेस्ट के मुझे पूरी इंडस्ट्री में उस जैसा बंदा नहीं मिला। आप आपको भी पसंद करते हैं माशाल्लाह काफी। अच्छा नहीं आप ना करें, मैं तो वैसे ही बेटी सीरियल पीटवी होम में किया था। अच्छा आपको याद है? वो बहुत जबरदस्त किया था आपने। उसके अलावा आजकल जो अलिफ चल रहा है अगर कोई बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट लेके करता है तो मेरे ख्याल में वो राह रास्त पे आ सकता है। बिल्कुल सही है। चलो जी ये तो बड़ी बात। अच्छा मुझे ये बताएं टिकटॉक के जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कमा रहे हैं? सबसे ज्यादा तो ये कमा रहे होंगे ना, कैसे कमाते हैं? चलो बताएं क्या जरिया पैसे कमाने का टिकटॉक? इसका जरिया ये है कि जब वो देखते हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं और हर वीडियोस पे आपके मिलियन के हिसाब से व्यू आते हैं तो फिर आपको नहीं आपके साथ फिर रब्ता करती हैं। जैसे कोई भी ब्रांड किसी किस्म का भी कोई भी ब्रांड और वही चीज जैसे यूट्यूब जैसे इंस्टाग्राम यही है ना कि व्यूज हो लोगों तक हमारे प्रोडक्ट पहुँचे। इंस्टा पे जब फॉलोअर्स शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्टोरी भी इंस्टा से भी आपके पिक्चर्स अपलोड करो। आप ब्रांड के जो प्रमोशंस है ना वो सारी इंस्टा पे चलती है। ऐप से अर्निंग नहीं होती। ये टिकटॉक जो ऐप है ना वो कुछ नहीं देता। काफी बंदों का ये सवाल होता है आप टिकटॉक कैसे? आई अंडरस्टैंड बिकॉज एज एन एक्टर एज ए सेलिब्रिटी आई नो पीपल वांट यू टू एंडोर्स थिंग्स ताकि वो व्यूज और पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपको भेजते हैं या आपको घर बैठे बैठे वो चीज डिलीवर होती है कि इसको ओपन कर दें, मोबाइल खोल दें या ये कपड़े पहन के तस्वीर उतरा दें। तो ये तो अब बहुत ज्यादा क्योंकि सोशल मीडिया का व्यूअरशिप अब बहुत ज्यादा हो गया है। आपको लगता है टेलीविजन से ज्यादा है व्यूअरशिप? नहीं टेलीविजन से ज्यादा नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ना कहीं ऐसा होगा कि सोशल मीडिया ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं आजकल हमारे हम लोग घर पे बैठ के बड़े सारी स्क्रीन पे टिकटॉक देख रहे होंगे। नहीं टिकटॉक बट सोशल मीडिया के अभी हमारे स्टार्स भी सोशल मीडिया पे ज्यादातर सारे आ गए। अभी टिकटॉक पे भी हमारे यूट्यूबर्स भी शिफ्ट हो गए हैं और अभी एक्टर्स भी आ गए काफी सारे। अच्छा तो लोगों ने जो इतना बोला यार कि अभी बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज ने ट्वीट्स किए और लिखा और टिकटॉक के खिलाफ काफी एक वो बड़ी नेगेटिव फीलिंग भी आती है और लोग कहते हैं कि ये बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है। नेगेटिव लोगों की वजह से टिकटॉक बन रहा है। जैसे आपने शुरू में बोला ना कि गुड और बैड होता है तो अब हर पहलू होते हैं हर उस चीज में, अच्छे और बुरे लोग। अब उन लोगों ने ज्यादा बैड लिए। आपके दुनिया एक जैसी नहीं है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।